जी तो दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ Ifactner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड अमाउंट के स्पेलिंग्स को समझेंगे, मीनिंग को समझेंगे और उसके साथ साथ अमाउंट को यूज़ करते हुए तीन सेंटेंसेस बनाते हुए उनकी ट्रांसलेशन हिंदी और उर्दू में करेंगे। आखिर में होगी छोटी सी एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। अमाउंट के स्पेलिंग होते हैं AMOUNT, अमाउंट। इसका मीनिंग होता है पैसे, रकम। जैसे आप होटल में गए और जब आपने पूछा कि हाँ भाई कितने पैसे हुए, तो आप पूछेंगे व्हाट्स द टोटल अमाउंट, कि पूरी रकम कितनी है, पूरे पैसे कितने हुए, व्हाट्स द टोटल अमाउंट। इसी तरह हम कह सकते हैं आई डोंट हैव द रिक्वायर्ड अमाउंट, कि जितने पैसों की ज़रूरत है, जितनी रकम की ज़रूरत है, वो मेरे पास नहीं है। आई डोंट हैव द रिक्वायर्ड अमाउंट। इसी तरह हम कह सकते हैं योर टोटल अमाउंट्स टू $150, कि आपका जो टोटल बना है वो बना है $150, आपकी कुल रकम बनी है $150, योर टोटल अमाउंट्स टू $150। तो हमने देखा वर्ड अमाउंट का मीनिंग होता है जी रकम, पैसे। सेंटेंसेस बनाए व्हाट्स द टोटल अमाउंट, आई डोंट हैव द रिक्वायर्ड अमाउंट, योर टोटल अमाउंट्स टू $150। तो दोस्तों, एक्सरसाइज से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। लेकिन अगर आपने पहले से बेल आइकॉन प्रेस किया हुआ है तो फिर से ना करें, क्योंकि नोटिफिकेशंस ऑफ हो जाएंगी। एक्सरसाइज के तौर पे आपने इंग्लिश के वर्ड अमाउंट को यूज़ करते हुए छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उसमें कोई गलती है कि नहीं। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। अंटिल देन, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप इन्जॉइंग, गुड डे।